यदि आपने पहले ही कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन जब आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था तो अपॉइंटमेंट को डाउनलोड करना भूल गए थे, या फिर डाउनलोड भी किए थे तो किसी कारण से यदि आपका बुक किया हुआ अपॉइंटमेंट डिलीट हो गया है, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जब आप कोरोना का टीका लगवाने के लिए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा। इसलिए यदि आपके पास कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए बुक किया हुआ अपॉइंटमेंट लेटर दोबारा से कैसे डाउनलोड करें। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ देख लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोविन रजिस्टर और लॉग इन फॉर वैक्सीनेशन। इस पेज का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरोना टीका लगवाने के लिए अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से मात्र 5 मिनट के अंदर घर बैठे अपने मोबाइल से ही कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोविड वैक्सीनेशन के लिए बुक किया हुआ अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, और मोबाइल नंबर वही देना है जिस मोबाइल नंबर से आपने कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे लिखा है गेट ओटीपी, तो हम इस गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ इंटर ओटीपी में डाल देना है। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं जाता है तो यहाँ नीचे में काउंटडाउन चल रहा है, तो जब तक ये सेकेंड पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये सेकेंड ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिक दोबारा से ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे पहुंच जाएगा। हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया है, चलिए ओटीपी को डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ओटीपी वेरीफाई हो चुका है और हम कोविन वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं। हमने अभी तक इस मोबाइल नंबर से केवल एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया है। अब मान लीजिए हमने जो अपॉइंटमेंट बुक किया है इस अपॉइंटमेंट लेटर को डाउनलोड नहीं किया था, या फिर डाउनलोड भी किया था तो वो गलती से डिलीट हो गया। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है कि यहाँ नीचे में देखिए एक्शन लिखा है, एक्शन के बगल में यहाँ पर 3 सिंबल है, जिसमें से ये साइड वाला ये देखिए डाउन एरो की तरह है, इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ ऊपर में 3 डॉट बना है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ एक ऑप्शन है प्रिंट, तो इस प्रिंट पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये अपॉइंटमेंट लेटर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ जो डाउनलोड का सिंबल है इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ सबसे नीचे में लिखा है कोविन अपॉइंटमेंट, इसके बगल में सेव लिखा है, सेव पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये जो कोविड-19 वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट है ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए बैक चलते हैं और अपने मोबाइल का फाइल मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कोविड वैक्सीनेशन का लेटर कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया कोविन अपॉइंटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आ चुका है, इसको हम ओपन करेंगे। तो देखिए ये कोविड-19 वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट लेटर हमारे मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। अब इसे आप क्या करना है, प्रिंटर मशीन से प्रिंट करा लेना है, और जिस डेट में आपका कोविड वैक्सीनेशन रहेगा यानी कोरोना का टीका लगवाने का जो भी डेट है, उस डेट में आप इस अपॉइंटमेंट लेटर को साथ में ले लीजिए। और इसके साथ ही साथ जब आपने कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम कौन सा आईडी कार्ड दिया था, उस आईडी को भी अपने साथ लेके जाना है। जैसे कि जब मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया था तो इसमें मैंने आधार कार्ड दिया था, यहाँ देखिए लिखा है आधार कार्ड। तो हमें क्या करना है कि
कि अपने साथ में इस अपॉइंटमेंट लेटर तथा अपने आधार कार्ड को साथ में लेके जाना है, ताकि COVID-19 वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत ना हो। एक बार फिर मैं आप लोगों से बता दूं कि यदि आपने अभी तक COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देख कर बड़ी आसानी से मात्र 5 मिनट के अंदर COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।